अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले अपनी मामा को ढूंढने आई हूँ जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि राधा जी दिमागी संतुलन बिल्कुल खो चुकी है। जिंदगी में पहली बार मैं अपने बच्चे का बर्थडे भूल गई। और इसका मतलब यह कि आस्था आप केक भी नहीं काटेगी। जी हाँ, क्योंकि अशुभ दिन नहीं मनाया जाता, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी माँ खोई थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। आस्था, आस्था तुम क्या कह रही हो? बेटा तुम जानती हो कि यह बात सच नहीं है। सिमरन दीदी ने तुम्हें हमेशा एक सगी मां की तरह प्यार किया है। प्लीज डोंट डू दिस टू हर। आप सब इनके रिश्तेदार हैं ना, इसलिए आपको ये नजर आ रही है, इनका प्यार नजर आ रहा है। मेरी मम्मा नेहा के साथ तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं था, तो आप मेरी फीलिंग कैसे समझ सकती हैं? मेरे साथ हुई नाइंसाफी आपको कैसे दिखाई देगी? ये तो डॉक्टर सिमरन है, इनमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। बट आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। आंटी, प्लीज जी, आंटी, आपका इनहेलर। दीदी, इस वक्त आस्था के दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है। उसे लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। That's why she's hitting back. कि आस्था नहीं, उसका गुस्सा बोल रहा है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा जब तक कि उसका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। पहले जब आस्था अपसेट होती थी तो वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, अब तो वो तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। चलो बाहर चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। देखो बेटा, मैं तो तुझे इतना समझदार बच्चा मानता था और तुम इस तरह से बात करती हो। दादू, मुझे अगर इस तरह से झूठ बोला जाएगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा ना बेटा, गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन गुस्से का मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे लिए इतने सालों से किया है उसे तुम भुला दो। वो मेरी माँ नहीं है। फिर वही बात आस्था, जरा सोच के देखो बेटा। इससे पहले जब ये बात तुम्हें पता नहीं थी, कभी तुम्हें लगा कि सिमरन तुम्हें प्यार नहीं करती? फिर भी तुम आज उसके लिए ऐसी बात कर रही हो। उसकी परेशानियों का अंदाजा नहीं है बेटा, उसकी तकलीफ दिखाई नहीं देती तुम्हें? नहीं, और ना ही मुझे देखनी है। आप लोगों के और नानी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है, नहीं है। आस्था, आस्था प्लीज लिसन टू मी, प्लीज। मैं समझ सकती हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैं भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में हूं। सालों बाद मुझे पता चला कि आज तक जिसे मैं मम्मा कहती रही वो मेरी माँ है ही नहीं। मैंने भी इसी तरह रिएक्ट किया था, बहुत गुस्सा थी सबसे। बट आस्था, यू आर इन अ बेटर पोजिशन कंपेयर टू मी। तुम्हारी मम्मा ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी तुम्हें सिमरन आंटी को दिया। कुछ सोच कर ही ना आस्था, तुम खुद ही सोचो आस्था। एक बच्चे को जन्म देना किसी भी माँ के लिए एक दूसरे जन्म के बराबर होता है, लेकिन वो माँ फिर भी सारी तकलीफें, वो रिस्क
क्यों बर्दाश्त कर लेती है? इसीलिए ना, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी उस बच्चे के साथ रह सके, उसे खुश देख सके, उसे प्यार कर सके। और जिस माँ की सारी जिंदगी उस नन्ही सी जान में सिमट गई हो, वो उसे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगी आस्था। थिंक अबाउट इट, तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या सोचा होगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम्हारी खुशी के बारे में। और उसे पूरा किया सिमरन आंटी ने, तुम्हारी मम्मा की उम्मीदों से बढ़कर। योर मदर वुड हैव बीन ग्रेटफुल टू सिमरन आंटी फॉर व्हाट शी हैज डन फॉर यू। एक और बात आस्था, क्या तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारी मम्मा की आत्मा को शांति मिल रही होगी? नो आस्था, ऐसा कभी नहीं चाहा होगा उन्होंने। चलो बाहर चलो, चलो प्लीज चलो। सिमरन दीदी, मैं सिया बोल रही हूँ। हाँ, वो ऐड मैंने ही दिया है पेपर में। जी जी ज़रूर। तो कब मिल सकती हूँ मैं आपसे? कल? आज नहीं मिल सकते? ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल देन। थैंक यू। आई होप जिस काम के लिए इतनी दूर से आई हूँ वो पूरा हो जाए। लोगों ने ऐड देखकर कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। देखना तुम अपने मिशन में बिल्कुल कामयाब हो जाओगी। मिशन? हेलो। हाय मामा। सिया, कैसी हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मामा। एंड गेस व्हाट, मैं बहुत जल्दी आजकल में ही अपनी माँ से मिल सकूंगी। गुड। या मामा, बट एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, शायद नर्वसनेस। वो मेरे सामने आएंगी तो मैं कैसे? बेटा, आई होप यू फाइंड हर सून। और अपना प्रॉमिस तो याद है ना बेटा, काम होते वापस आ जाओगे मेरे पास। मैं आऊंगी मामा, जरूर आऊंगी। टेक केयर। बाय बाय। क्या बात है? सिया का फोन था, कह रही थी बहुत जल्द उसे अपनी मम्मा मिल जाएगी। क्या? मुझे डर लग रहा है मामा। I hope she doesn't get involved in this whole thing। नहीं,
ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिया के पास जो उसके बचपन की फोटो है वो तो सिया की फोटो ही नहीं है, वो तो तेरी बच्ची की फोटो है ना। और अगर उस फोटो को देख के कोई ये कहता है कि सिया उसकी बच्ची है, वो झूठ है। इसी बात का तो डर है मामा, सिया के लिए झूठ भी तो सच ही है ना, कोई मुश्किल माना पड़ जाए। कुछ सोचा ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। तेरा साथ देती चली गई, तेरी बच्ची मर गई थी ना, मेरी बच्ची की बच्ची मर गई थी, तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, मेरी बच्ची की जिंदगी, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। मगर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो हमारे पास वापस आएगी, वो हमारे पास वापस आएगी, वापिस आएगी वो हमारे पास। आस्था कैसी है पापा जी? ठीक है बेटा, लेकिन कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम भी उस पर जोर नहीं डाल रहे, बार बार फोन कर रही है पूनम को। चलो इस बात की तसल्ली तो है कि वो आप दोनों को और राधा जी को अपना समझती है। मगर सिमरन, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, जिसने सबसे ज्यादा प्यार दिया है उसे। रहने दीजिए ना पापा जी, कोई ये बात जबरदस्ती तो नहीं समझा सकता, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, बाय। क्या बात, राधा जी के बारे में क्या बात कर रहे थे? आप आइए बैठिए। वो आस्था पूनम को बार बार फोन करके राधा जी के बारे में पूछ रही है। शी इज वेरी वरीड अबाउट राधा जी। और तुम्हारे बारे में नहीं पूछा उसने, तुम कैसी हो? जाने दीजिए ना पापा, इतनी नाराज है मुझसे, क्या पूछेगी मेरे बारे में? इसी बात का तो अफसोस है मुझे सिमरन, इतनी नाराजगी, वो भी तुमसे, जो इतना प्यार था उसके दिल में अपनी माँ के लिए खत्म हो गया, सब इतनी जल्दी। माँ बेटी का रिश्ता यूं कच्चा तो नहीं होता ना बेटा, है? ये रिश्ता सच्चा भी तो नहीं है। मैं नहीं मानता सर, इतना जो तुमने उसे प्यार किया है, अगर वो सच्चा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। नॉनसेंस। तो ये तस्वीर आपकी बच्ची की है? जी हाँ। तो आपकी बेटी इस वक्त कितने साल की होगी? तब 5-6 साल की थी, अब 18 साल के बाद 23-24 की होगी। तो आपको भी लगता है कि इस विज्ञापन में जो तस्वीर है वो आपकी बेटी की है? ये हमारी बच्ची की ही तस्वीर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यही मुंबई के। तो आपकी बच्ची लंदन कैसे पहुंची? हमें वो सब नहीं मालूम, यही हमारे घर के सामने गार्डन में खेल रही थी वो, किसी ने उसे वहीं से उठा लिया। देखिए, आप लोगों ने जो अपनी गुमशुदा बच्चियों की तस्वीर दिखाई है वो इस तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। एक बच्ची की तस्वीर देखकर इतने सारे लोगों का आना, पता नहीं किस मकसद से आए आप लोग, झूठ बोल रहे हैं आप लोग सब। अरे साहब, किसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज आप जाइए, आप एक बार उस लड़के से मुझे मिलने दीजिए। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जा सकते हैं। मुझे पहचान लेके, मैं उसकी माँ हूँ। कुछ नहीं सुनना है, प्लीज जा सकते हैं। अरे भाई साहब, आपने स्टार्ट दिया। प्लीज आप लोग जाइए, प्लीज। अजीब लोग हैं। पता नहीं किस मकसद से आए थे। आई जस्ट कांट बिलीव दिस, इतने झूठे लोग, कैसे पहुंचूंगी अपनी मामा तक? डोंट वरी सिया, अभी तो शुरुआत है, एक ना एक दिन ऐड देख के देखना, वो जरूर हमें कॉन्टैक्ट करेंगे।
और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शहर में ना हो या वो ये न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो। हम एक काम करते, हम दूसरे न्यूज़पेपर में भी ऐड दे देते, ठीक है? यू जस्ट टेक केयर, डोंट वरी, जस्ट चेयर अप। थैंक्स सिद्धांत, यू हैव बीन सो काइंड। सिद्धांत, जब तक ऐड पेपर्स में आएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, सोचती हूँ तब तक कुछ दिन के लिए गोवा चली जाऊँ। गोवा? व्हाई? शायद वहाँ रहकर सब कुछ भूल सकूँ। कोशिश तो कर सकती हूँ ना एटलीस्ट। व्हाई नॉट, बट जल्दी आ जाना। अरे गुरु, जल्दी करो ना प्लीज। अरे वो पब्लिशर साहब राह देख रहे होंगे, अपने कॉलम के बारे में बातें करनी है, बहुत सारे काम है, प्लीज जल्दी करो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। गुरु? हाँ? मैंने पूछा क्या सोच रहे हो? और क्या सोचूंगा यार, यही आस्था के बारे में पता चला, और फिर तुमने उस दिन जो कहा कि मैं सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा हूँ, उससे भाग रहा हूँ, यही सब कुछ। बस बुरा लगा तुम्हें? नहीं, लुक आई एम रियली, नहीं नहीं नहीं, जेन्युइनली वाकई बुरा नहीं लगा मुझे इस बात का, वो तसल्ली मुझे इस बात की कि मैंने वक्त रहते खुद को संभाल लिया, वरना हाँ भागने को संभालना कहते हो तो हाँ, यस। एनीवे, ये सारी फिलोसफिकल बातें बाद में करेंगे, चलो देर हो रही है, मैं समेट लूँ तो। हाँ समेट लो, पर जल्दी करो प्लीज। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया तुमको? अरे वो पब्लिशर ना दिख रहा भाई। चुप। वो आइए, उसको आराम से संभाल ले, आराम से संभाल ले। देख, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? देख, दरवाजा तो खोल भाई। हूँ नहीं तो कैसे खोलूंगा दरवाजा, चाहे खोल ना यार। तू सिंपल कर, मेरी बात संभाल इसको यार, नहीं मिल। आनंद, मिस्टर आनंद है घर पर? नहीं। कहीं बाहर गए हैं? हाँ, मतलब नहीं, मतलब वो अब यहाँ नहीं रहते। What? मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर मैंने खरीदा है। आनंद ने घर आपको बेच दिया, इन सब बुक्स और फर्नीचर के साथ? So what? I'm getting late, मैं मुझे कहीं बाहर जाना है, आप प्लीज वो ओके बाय, थैंक यू, नमस्ते। अरे गुरु आ जाओ भाई। गुरु वो नहीं मान रही है, कह रही तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो यार तुम? अरे आ जाओ, चली गई वो। चली गई बाबा, आओ। सच में गई? अरे भगवान, वो गई बाबा, गई। वैसे ये सिया थी ना, चल इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो गई। वैसे अच्छी लड़की, स्मार्ट भी है, और मैं जो कुछ कह रहा था उस पर उसे कतई बिलीव नहीं था। अब चलो गुरु, जल्दी चलो, वैसे ही तुम्हारे चक्कर में बहुत देर हो गई, चलो प्लीज प्लीज प्लीज। चलो बहुत देर हो गई भाई। आनंद, तुम मुझसे छुप रहे थे आप? Why? Why are you avoiding me?